अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS 304P यानी कि प्रैक्टिकल का क्विज़ नंबर 1, ग्रेडेड क्विज़ नंबर 1 ओपन हो गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। इसमें लैब 1 से लैब 4 तक के जो है वो इंक्लूडेड है, यानी कि 1 से लेकर 12 लेक्चर ऑफ CS 304, ठीक है। और ये अगर आप फाइल कर लेते हैं तो ईज़िली आपका जो है ग्रेडेड जो क्विज़ 1 है वो ईज़िली आपका हो जाएगा, 10 में से 10 नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपके 10 में से 10 नंबर आ सकें, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ यूज टू अचीव इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, अगर ये सवाल आता है तो आपने क्या आंसर लगा देना है? इनकैप्सुलेशन, ठीक है। और अगर सवाल ये ऐसे यही आता है और आगे ऑप्शन आते हैं, दो दो ऑप्शन लिखे हुए आ रहे होते हैं कि इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस या इनकैप्सुलेशन एंड कुछ और, ठीक है, तो उसमें क्या आंसर बनेगा? इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर खाली वाला आता है तो इनकैप्सुलेशन आंसर होगा खाली में, और अगर दो दो लिखे हुए आ रहे हैं तो उसमें इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन वाला आंसर करेक्ट होगा। ओके, हो गया। टू क्वेश्चन हमारे पास है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज़ दी वे ऑफ विजुलाइजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन दी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कहते हैं? डैश में क्या आएगा? डाटा एंड मेथड। ओके, हो गया, डाटा एंड मेथड। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एट्रीब्यूट ऑफ द एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय क्लास की जो है क्या एट्रीब्यूट बनती है? सैलरी, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें आएंगी, GPA, ये चीज़ें, तो इसमें से आंसर क्या बनेगा? सैलरी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डील्स विद द सिक्योरिटी ऑफ डेटा, तो क्या इसमें आंसर आएगा? डाटा हाइडिंग, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ डाटा तो क्या है? डाटा हाइडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, कार कैरीज पैसेंजर्स, बस कैरीज पैसेंजर्स, ट्रक कैरीज लगेज, हार्वेस्टर हार्वेस्ट दी क्रॉप्स, कार बस हार्वेस्टर एंड ट्रक आर ड्राइव, किस क्लास से ड्राइव होएगी? तो ये वहीकल से, ठीक है, वहीकल से जो है ये आगे ड्राइव होएगी हैं और क्लासेस। नेक्स्ट हमारे पास दो हमारे पास क्लासेस हैं, कैट और डॉग के नाम से, ठीक है। बिहेवियर जो है कैट का वो क्या है? क्लास आर ईट और म्यू। बिहेवियर जो है डॉग का क्या है? वो क्लास ईट एंड बार्क, ठीक है, भौंकना। विच ऑफ द अबव बिहेवियर कोड बी एक्सट्रैक्टेड फ्राम दिस सिनेरियो एज जनरलाइजेशन टू क्रिएट अ न्यू क्लास, नई क्लास क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? वो ईट होगी जनरलाइजेशन उसकी, ठीक है, ईट, ईट क्लास। सेवन क्वेश्चन है, विच प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन द पेरेंट क्लासेस आर आल्सो डिराइव्ड फ्राम, किससे ड्राइव होती है? फ्राम द ग्रैंड पेरेंट क्लास, तो इसमें क्या आंसर आता है? डायमंड। ये आपने इसको जो है याद रखना है, डायमंड, ठीक है। एट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट स्टैंड अलोन इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल, तो उसमें क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास जी। नाइन क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन अ टर्नरी रिलेशनशिप, यानी कि टर्नरी का मतलब क्या है? तीन, ठीक है, एग्जैक्टली तीन, और बाइनरी आता है फिर वो उसके हिसाब से, वन वे आता है तो उसमें उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एग्जैक्टली थ्री। टेन क्वेश्चन हमारे पास, इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ओ यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज नाउन एज, उसे क्या कहते हैं? एसोसिएशन, एसोसिएशन। 11 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग द एट्रीब्यूट एज अ पब्लिक, क्या जो है इसका करेक्ट वे है एट्रीब्यूट एज अ पब्लिक को डिक्लेयर करने का? क्लास, स्टूडेंट, पब्लिक, करेक्टर, स्टेरिक नेम, ठीक है, इस तरह आपने करके लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स, कौन सा जो है इसमें ऑप्शन फॉल्स है? अच्छा, इसमें जो है ना करेक्ट ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जो सा आपने सेलेक्ट करना वो आप कर सकते हैं। पहला क्या है? पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्राम अदर क्लासेस आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेंबर फंक्शन कैन बी मेड प्राइवेट। नेक्स्ट क्या है? डाटा मेंबर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड। नेक्स्ट क्या है? प्राइवेट मेंबर्स कैन बी इन एक्सेस्ड यूजिंग फ्रेंड फंक्शंस। अच्छा, इसमें यह मसला आ रहा है कि इसमें कई जगह ये नज़र आ रहा है कि डाटा मेंबर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, कि इसका आंसर ये ठीक है। कई जगह ये नज़र आ रहा है कि मेंबर फंक्शंस कैन बी मेड प्राइवेट, ठीक है, और मैंने जो है वो ऑप्शन भी सारे लिखे हुए हैं, तो आपको जो मुनासिब लगता है, सही लगता है आपके मुताबिक, आपके जहन के मुताबिक, तो फिर वो आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। मेरे मुताबिक अभी फ़िलहाल ये वाले दो सही लग रहे हैं, तो आपने ख़ुद देख लेना है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट फॉर डिस्ट्रैक्टर, डिस्ट्रैक्टर के लिए कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं है? डिस्ट्रैक्टर इज़ अ फंक्शन विद द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास बट प्रीसीडेड विद अ टिल्ड वॉइड, वॉइड टिल्ड वॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो है इसमें करेक्ट नहीं है। चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर,
कंस्ट्रक्टर के मुताबिक जो है वो कौन सी चीज़ है? ट्रू नहीं है। कंस्ट्रक्टर कैन बी अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, कि कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन हो सकता है, तो ये बात ठीक नहीं है। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शुड बी यूज टू डिक्लेयर अ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल होता है? स्टैटिक, STATIC, ठीक है। 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। तो क्या आंसर है? डाटा मेंबर विच इज़ कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। 17 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टैटिक मेंबर फंक्शन। दे कैन नॉट एक्सेस एनी नॉन स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है, कि वो एक्सेस नहीं कर सकते नॉन स्टैटिक मेंबर्स को। 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट ट्रू फॉर कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन के लिए कौन से जो है बात ठीक नहीं है? तो मॉडिफिकेशन इन द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एट रन टाइम। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न अ रेफरेंस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मेंबर फंक्शन। तो क्या आंसर है इसमें? हमारे पास रिटर्न, बीच में गया स्टैरिक और आगे गया दिस, रिटर्न स्टैरिक दिस, ठीक है। अच्छा, 20 क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारे पास जो है वो दो चीज़ें, इसलिए मैंने जो है इनको यहाँ पे रखा हुआ है साथ साथ, कि अगर यहाँ पे आ जाते हैं डैश इज लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर आते हैं टॉप टू बॉटम तो आपने क्या लगाना है? सब टाइपिंग, ठीक है। और अगर आता है बॉटम टू टॉप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन जनरलाइजेशन वी लुक एट थिंग्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर बॉटम से हमने जाना है टॉप में तो क्या होगा? जनरलाइजेशन। और टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? सब टाइपिंग। अब इन दोनों में आपने खुद देख लेना है कि आपका सवाल कौन सा है, उसके मुताबिक आपने लगाना है। टॉप से बॉटम जाएंगे तो सब टाइपिंग है, टॉप बॉटम टू टॉप जाएंगे तो जनरलाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन नो एक्सेस स्पेसिफायर इज मेंशन्ड देन डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज डैश। जब कोई स्पेसिफायर नहीं है, मेंशन नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट क्या होगा? वो प्राइवेट होगा, यानी ठीक है, कुछ अगर मेंशन नहीं भी किया हुआ तो क्या होगा? वो प्राइवेट होगा। 23 क्वेश्चन, चेयर इज एन डैश ऑब्जेक्ट एंड पैशन इज एन डैश ऑब्जेक्ट। चेयर क्या होता है? टेंजिबल। पैशन क्या होता है? इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल यानी जिसको हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। 24 क्वेश्चन है, पीपल ओन बुक दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नाउन एज। तो ये क्या होता है? बाइनरी एसोसिएशन, ठीक है। बाइनरी एसोसिएशन यानी पीपल ओन कहते हैं बुक और बुक ओन क्या कहते हैं? पीपल, ठीक है ना। तो ये दोनों का रिलेशन है आपस में मिक्स, तो ये इसमें क्या होगा? बाइनरी रिलेशन होगा। 25 क्वेश्चन, वी मेक अप बनाते एनी फंक्शन कॉन्स्टेंट बाई यूजिंग, किस चीज़ को इस्तेमाल करके? की वर्ड कॉन्स्टेंट इज प्लेस्ड आफ्टर द पैरामीटर लिस्ट। की वर्ड कॉन्स्टेंट इज प्लेस्ड आफ्टर द पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। 26 क्वेश्चन, अ क्लास रूम क्लास हॉल स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बेस्ट डिस्क्राइब द अबव स्टेटमेंट। तो क्या चीज़ें होती है? एसोसिएशन होती है, ठीक है, एसोसिएशन। 27 क्वेश्चन है कि फॉलोइंग ये मतलब कोड लिखा हुआ है, क्लास शेप स्ट्रिंग टाइप, तो इसमें क्या आंसर होगा? क्लास शेप पब्लिक स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन आर दी वंस दैट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डाटा मेंबर्स। कॉन्स्टेंट फंक्शन के मतलब क्या? कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा? सिर्फ रीड होगा, ऑन रीड ओनली, ठीक है। इसका ये आंसर था रीड ओनली। तो ये हमारे पास 28 क्वेश्चन थे, तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आसानी के साथ आपका जो है क्विज हो जाएगा, उसमें 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।